स्मार्टफोन और मानसिक बीमारियां, मेंटल इलनेस, इसके बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं आज। आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति लगे हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। स्मार्टफोन अभी इतना आवश्यक हो चुका है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन के बाद में स्मार्टफोन विद इंटरनेट, ये भी बहुत जरूरी हो गया है। जितना रोटी, कपड़ा और मकान का महत्व है, उतना अभी स्मार्टफोन का भी महत्व हो चुका है। हर एक के पास में स्मार्टफोन है ही है। अभी मुंबई IIT के प्राध्यापक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्राध्यापक गिरीश कुमार, इन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को अहवाल दिया। उसमें उन्होंने बताया था कि स्मार्टफोन का जो वापर ज्यादा अभी हो रहा है, उससे काफी बीमारियां तैयार हो रही है, और उन्होंने उसके लिए एक चेतावनी दी है। 4 साल तक यदि हर रोज 30 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल किया, वापर किया, तो सुनने में तकलीफ हो सकती है, हियरिंग लॉस, और आईसाइट लॉस, दिखने में तकलीफ हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपने हवाले में बताया हुआ है। 30 से 35 साल की उम्र में आप यदि काफ़ी साल तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मानसिक बीमारी होने का धोखा है। अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसोनिज्म दोनों भी ब्रेन की बीमारियां हैं, तो ये बीमारी ज़्यादा स्मार्टफोन यूजर्स जो है, स्मार्टफोन यूजर्स में दिखाई गई है। स्मार्टफोन यूजर में कैंसर की बीमारी भी ज्यादा प्रमाण में दिखाई गई है। पुरुष में वंध्यत्व, प्रजनन शक्ति कम होना, मेल इनफर्टिलिटी, ये दिखाई दिया है बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन यूज। आप यदि ईयरफोन 40 मिनट तक वापरते हैं, कान में ईयरफोन 40 मिनट तक वापरना, उससे हियरिंग में काफी प्रॉब्लम आया, ऐसा उनका अहवाल बताता है। बच्चे जो गेम खेलते हैं और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बच्चे जो करते हैं, तो अकेले अकेले बैठे हैं, इंटरनेट का वापर, गेम्स का वापर, मतलब गेम्स खेलना, उससे बच्चों में उच्च रक्तदाब, मतलब हाइपरटेंशन, और स्थूलता, मोटापा, ओबेसिटी, वो दिखाई दी है, और वैसे ही स्लीपलेसनेस बहुत ज़्यादा ये लोगों में दिखाई दिया है जो स्मार्टफोन का वापर करते हैं और रात रात तक उसके ऊपर बात करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। अभी इसमें करना क्या है, इसके लिए स्मार्टफोन तो जरूरी है, तो कुछ बातें बताता हूं आपको। एक तो जितना कम हो सके उतना स्मार्टफोन का वापर करो, कम से कम बोलो, और कम से कम वापर करो इंटरनेट, गेम्स, सर्फिंग, सब कम, सब जितना कम कर सकते हो उतना करो। डिटॉक्स करो, मतलब ऐसा है कि सवेरे 2 घंटे 3 घंटे वापरेंगे नहीं, रात को 8 बजे के बाद में स्मार्टफोन बंद, मतलब इस तरह का हम एक उसूल लगाते हैं, अनुशासन लगाते हैं, तो उसका वापर कम हो जाएगा। फिर स्मार्टफोन, मतलब फोन बोलने के समय जितना दूर रख सकते हैं हैंडसेट, उतना दूर रखो। स्पीकर ऑन कर सकते हैं तो स्पीकर ऑन करके बात करो। फिर बाइक के ऊपर आप जब जाते हैं और बाइक के ऊपर जाके कंधा और कान के नीचे ऐसा जो लगा के बात करते रहते हैं, वो भी घातक हो सकता है, उसमें एक्सीडेंट हो जाएगा और उससे कान में प्रॉब्लम आता है। वैसे हेलमेट पहन के और बाल यदि गिले है तो वो यदि है तो स्मार्टफोन का वापर नहीं करना चाहिए, या ईयरफोन का वापर उस समय नहीं करना चाहिए। फिर मेटल फ्रेम चश्मे की यदि है तो वो भी लोगों ने कम से कम वापर करना चाहिए स्मार्टफोन का, क्योंकि ये दोनों ने, मतलब पानी का, वेट हेयर्स, मतलब गिले बाल, और मेटल फ्रेम, इसमें यदि वो वापरते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स जो है उसका आने का धोखा ज़्यादा है। तो यदि हम इस्तेमाल ये करते रहते, मतलब ये हम केयर लेंगे, तो कम से कम एक्सपोजर हमें स्मार्टफोन का होगा, और जो बीमारियाँ ज़्यादा होने की संभावना है, वो बीमारियाँ भी स्मार्टफोन की वजह से नहीं होगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा उसके बारे में लोग सजग हो जाएंगे और अपनी खुद की केयर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू।